जहाँ से हमारे न्यू प्रेसिडेंट सेलेक्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 8:30 हो गए हैं, मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ कंपनी में जाने के लिए। और आज का रूटीन और दिनों के बिल्कुल उलट था। उठते ही पहले मैं नहा लिया, बाकी काम बाद में किए। तो फिलहाल अभी रेडी हो गया हूँ मैं, और ब्रेकफास्ट में सिंपल खिचड़ी बनाई आज मैंने, एंड आई होप आज अच्छी बनी हो। आज हर चीज़ की क्वान्टिटी मैंने मेज़र करके डाल दी थी। तो फटाफट अब देखते खिचड़ी कैसी बनी है। फिलहाल से टाइम पे मैं कंपनी पहुंच गया, और मौसम है ऑसम एंड आई विश मेरी खिचड़ी भी मिल जाए ऑसम। खिचड़ी उम्मीदों के अनुसार बहुत अच्छी बनी हुई थी। अब बिल्कुल रिलैक्स हो गए, ऑफिस में काम करना है। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं लंच के लिए। हल्की हल्की बारिश की फुहार आ रही हैं। आज एक तो है प्रतीक मेरे साथ, जो एज यूजुअल हमेशा ही जाता है, और एक और सर हैं मार्केटिंग से, विशंबर सर। इनका एड्रेस आप खुद ही गैस करना। इनका एड्रेस है जहाँ से हमारे न्यू प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो वो है इनका एड्रेस। आई एम राइट सर, राइट। तो फिलहाल अभी मैं लंच करके आ गया हूँ, और प्रतीक अभी मैच पे ही है क्योंकि उसको चाय पीनी थी, तो इसलिए मैं आ गया। आज मेरा तंदूरी रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं था। मेरा मन था सिंपल रोटी खाऊं, ना चाहते हुए भी मैंने ले ही ली तंदूरी रोटी। तो फिलहाल अभी एक बार चलते हैं प्रोडक्शन लाइन में। सिस्टम का काम भी आज हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत काम रहता है, बिल्कुल एंडिंग में आ रखा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रोडक्शन लाइन में दिखाते हैं क्या चल रहा है। यहाँ पर तो जितनी बार भी आओ ना, उतनी बार ही कुछ अलग चीज़ देखने को मिलती है। कंपनी से होगी ये छुट्टी, आप चलते हैं अपने घर की तरफ। देखते हैं जाके आराम करेंगे या काम करेंगे। और अभी 3 काम करने हैं। हाँ, वो 3 काम नहीं, खाना पीना नहाना धोना। 3 काम है, रेस्ट, रिलैक्स एंड रीस्टार्ट। पता ही नहीं क्या चल रहा है। दिल्ली आओ, लाइट नहीं मिलती। दिल्ली कटवाने लगी लाइट, और अब आएगी ये 7:30 पौने 8 के आसपास। ऐसी लाइट का कुछ काम है नहीं, लेकिन अंधेरा सा है ना, अच्छा नहीं लगता। मार्केट में जाने की भी सोच रहा था मैं, क्योंकि कई दिन हो गए जो घर में राशन पानी है उसी से काम चला रहा हूँ मैं। तो स्टॉक खत्म हो गया है, तो जाना पड़ेगा Kmart और मार्केट में। मैं सोच रहा था छुट्टी वाले दिन ही जाऊँ, लेकिन छुट्टी वाले दिन मैंने कई बार देख लिया इतने सारे काम होते नहीं। मैं सोच के रखता हूँ कई सारे काम, और उसमें से होते हैं आधे। इसलिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आज नहीं तो कल कोशिश करूँगा मार्केट में जाके थोड़ा बहुत रेगुलर अपना सामान ले आऊँ खाने पीने का। तो फिलहाल लाइट आ चुकी है, और नीचे बच्चे खेल रहे हैं। मेरा भी कभी कभी मन करता है कि फिर से जाके खेल लूँ, लेकिन इस बार कुछ हो गया ना तो कोई संभालने वाला है नहीं। और जो जिस टाइम चोट लगी थी ना, वो पैर में दर्द अब तक नहीं गया है, क्योंकि वो मोच मैंने तुड़वाई नहीं अच्छे से। वो मोच टूटे बिना पैर का दर्द जाएगा ही नहीं। तो अभी घर जाऊँगा ना, तो फिर जाके अच्छी जगह पे इसकी पैर की मोच तुड़वाऊँगा। और उस दिन खेलते टाइम की कुछ वीडियो मानसी ने ऊपर से बनाई थी, तो वीडियो देखो, नीचे से हम कितने अच्छे से खेल रहे थे। मैंने पिट्ठू भी बनाए थे, वो वीडियो भी है। ये जो वीडियोस देखी ये 3 जुलाई की हैं, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने सेम ड्रेस पहन रखी है आज भी कोइंसिडेंटली। तो फिलहाल अभी सुन लेते हैं सत्संग, उसके बाद करेंगे खाना पीना। तो फिलहाल अब फिर से लाइट चली गई है, और मेरे लैपटॉप में सिर्फ 6% बैटरी है, और यूट्यूब पे भी पता नहीं जो साधना चैनल पे सत्संग आता है वो चल ही नहीं रहा। और अगर वहाँ आकर के रुक गया जहाँ कबीर परमेश्वर विराज। तो फिलहाल अभी 10:30 हो गए हैं, लाइट जस्ट अभी आई है। मैंने अंधेरे में अपने छाल बना लिए। बाकी सारी सोसाइटी में बाहर लाइट थी, हमारी सोसाइटी में पता नहीं क्या फॉल्ट आ रखा था। पूरे 2 घंटे बाद लाइट आई है। मैं जब से बस वेट कर रहा था कब आएगी, जब काम करूँगा, और अंधेरे में चावल बना दिए, अब आ गई। तो अभी फ़िलहाल हो गए हैं 11:40। पहले जब लाइट गई हुई थी तो हमारी सोसाइटी की गई हुई थी, बाकी और सोसाइटीज़ हैं जो आसपास में, वहाँ पे लाइट थी। लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ देर पहले इतना भयंकर धमाका हुआ ना, जो मेन ट्रांसफार्मर था वो ही उड़ गया। और फिलहाल चारों साइड की लाइट चली गई है, बिल्कुल अंधेरा है। मैंने भी सैमसंग वाले फ़ोन की फ्लैश लाइट में किचन के सारे काम किए हैं। तो फिलहाल अभी रेस्ट करूँगा। आज कंपनी से आते ही मैंने बुक रीड कर ली, वो अच्छा गया, नहीं तो बाद में तो लाइट रुकी ही नहीं, कभी आ रही है कभी जा रही है। बस ऐसे ही दुखी सुखी हो गए, सारे काम हो गए। ऐसे अंधेरे में सोने से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, सोते टाइम फ़ैन चलाता हूँ, जो फ़ैन की साउंड है ना, बस उसको मिस करूँगा। पता नहीं ऐसा अकेला अकेलापन सा फील होता है जब फ़ैन नहीं चलता ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आज के व्लॉग को यहीं पे करता हूँ एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बोज नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।